नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा है कि मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान सब जगह जो दंगे हुए वो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का आज एनडी स्टूडियो में अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई शहर के प्रभारी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जिस अस्पताल पहुंचे और नितिन देसाई के पार्थिव शरीर का उन्होंने दर्शन लिया। मणिपुर में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हुआ है और गुरुवार को चुराचांदपुर में 35 लोगों के शव को सामूहिक रूप से दफन करने की कोशिश के बीच हिंसा भड़क गई। मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई की मौत के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कर्ज देने वाली एक निजी कंपनी की भूमिका की जाँच की जाएगी। पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर भारत आई सीमा हैदर को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने उसे लोक चुनाव में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ एनडीए के ही एक मंत्री ने तो बकायदा सीमा को अपनी पार्टी में शामिल होने और महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने का ऑफर कर दे दिया है। इससे पहले सीमा को उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र के थाने जिले के उल्लासनगर में तस्कर पुष्पा फिल्म की स्टाइल में गांजे की तस्करी कर रहे थे। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच की टीम ने निरल बदलापुर रोड पर लाखों के गांजे की तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के ऑडियो क्लिप से अहम जानकारी सामने आई है। आत्महत्या करने से पहले देसाई ने अपने आवाज में एक वॉइस रिकॉर्डर में कुछ अहम बातें शेयर की है। भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इम्पोर्ट पर तत्काल बैन लगाने का नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिनों की दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। दिव्य कथा की शुरुआत से पहले 5,000 से ज्यादा महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 यानी OMG 2 को ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस फिल्म का कड़ा विरोध हो चुका है। 11 अगस्त 2023 को यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इससे पहले मेकर्स ने 3 जुलाई को ट्रेलर रिलीज किया है। अब उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी और साधु संतों ने इस बात के लिए बिगुल फूंक दिया है कि जब तक इस फिल्म से महाकाल मंदिर के शॉट नहीं हटाए जाते वे अपना विरोध बरकरार रखेंगे। यदि आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यह लगातार चलता रहेगा, बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।